नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं एंड फॉर न्यूज भारत। अभी हमारे साथ जुड़े हैं विपिन कुमार। आपको बता दें कि 16 को यहाँ पे जो इवेंट हुआ था जयराम महतो का, जो वो आए थे और इतने सारे लोगों को उन्होंने संबोधन मतलब बताया था जेबी केसेस के बारे में, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने हर चीज बताया कि कैसे छात्रों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनके जो था उसमें उस भीड़ में मैक्सिमम भीड़ छात्रों का था। तो बता दूं कि उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर यही थे, इन्होंने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। तो अभी हम लोग इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मकसद था उसका, उसके पीछे क्या उद्देश्य था उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे, इनका क्या उद्देश्य था और फंडिंग, ये सब सारी चीजें कहां से आई थी। तो आपको बता दें, सबसे पहले आज इनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप बताएंगे कि आप पहले बताएं कि आप फंडिंग का इंतजाम कहां से किया आपने उतने बड़े इवेंट के लिए। जी, एक्चुअली उस कार्यक्रम को फंडिंग के लिए हम लोग को जरा सा भी समस्या नहीं आया, क्योंकि विद्यार्थी खास करके युवा इतना एक्टिव थे कि हम लोग को जरा सा दिक्कत नहीं आया। मतलब विद्यार्थी लोग खुद से 20, 50, 10 सहयोग राशि दिए। मतलब हजारीबाग के विद्यार्थी सिर्फ या फिर पूरे झारखंड से आप लोगों ने फंडिंग लिया था? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो कोई सहयोग राशि के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। अच्छा। लेकिन जो हम लोग में जो जान पहचान है, जो इसका समर्थक है, वही लोग जो हैं वो अपने मर्जी से इच्छा अनुसार अपना सहयोग राशि दिए। यहाँ तक बता देना चाहते हैं कि विद्यार्थी लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये दिए इस तरह का सहयोग करके। मतलब ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम था जिसमें लाखों की भीड़ थी, वो विद्यार्थियों के पूर्णरूपेण सहयोग राशि से आयोजित कार्यक्रम था। अच्छा। हाँ। मतलब विद्यार्थियों ने ही इतना दे हो गया। हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल मैं ये, और उस कार्यक्रम की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि उस कार्यक्रम में सिर्फ युवा ही नहीं, युवा को गढ़ने वाले टीचर, प्रोफेसर, ऐसे तमाम प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे और कार्यक्रम को संबोधित भी किए थे। हम तो युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग वो सारे लोग कह सकते हैं कि जयराम महतो जेबी केसेस पार्टी बनने का नाम सुनने को आ रहा है अभी, कि उन्होंने पार्टी का गठन किया है। अब उस पार्टी के बारे में आप बताएं कि इसका गठन कब हुआ, इसका मतलब पूरा इसका आप इतिहास बता सकते हैं कि कब शुरू हुआ, कि उन्होंने किया ये सारी चीजें, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जी, एक्चुअली मैं पहले से ये पूर्व निर्धारित नहीं था कि एक पार्टी का गठन किया जाए, ठीक है, ये समय की मांग है। अच्छा। विद्यार्थियों का कह सकते हैं एक मांग है कि युवा लोग जो हैं वो विधानसभा में जाएं और युवाओं की जो समस्या है उसको बताने के लिए, उनको समाधान करने के लिए युवा भी, छात्र भी प्रतिनिधि होना चाहिए। एक्चुअली अभी देखा जाए विद्यार्थियों के लिए स्कीम निकलती है, विद्यार्थियों के लिए नियोजन, जो जॉब का आवेदन मांगे जाते हैं उसमें इतना त्रुटि है, इतना एरर है कि वो कोर्ट में जाके फंस जाता है और एक नियुक्ति के क्लियर होने में 5, 6, 7, 10 साल भी लग जाता है। आप बताइए, जिनके लिए अब नियोजन बनाए हैं, जिनके लिए आवेदन मांगे हैं, एक बड़ा समूह से आप उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कैसा नियम होना चाहिए वो उनसे आप, उस समूह से आप उनको नजरअंदाज कर दे रहे हैं। आप बताइए, तो पार्टी गठन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। आज भी कहते हैं हम लोग कि हम लोग सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थियों की जो समस्या है और खास करके झारखंडियों का जो अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति और उनको जो रोजगार की जो समस्या है वो सरकार मान ले, तो हम जैसे पढ़े लिखे युवा जो हैं वो सत्ता में नहीं आना चाहते हैं बल्कि सेवा करना चाहते हैं। मैं एक बात बोलती हूँ, आखिर समय की मांग के हैं या फिर मजबूरी के हैं, लेकिन आप लोगों ने एक पार्टी का लगभग गठन कर दिया है, तो इस पार्टी का उद्देश्य आपने अभी जो जहां तक बताया कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उसे विधानसभा में उतारना, तो झारखंड में तो इसको, इसके अलावा भी कई और समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, बड़का गांव में एक आए दिन वहां पे लोग धरना पे उतरते रहते हैं क्योंकि उन लोगों का जमीन छीना जा रहा है, और भी ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक समस्या को रख करके जनता के सामने जीता जा सकता है जनता का वोट? नहीं नहीं,
हम सिर्फ एक उदाहरण बताएं विद्यार्थियों की समस्या, क्योंकि अभी लेकिन अभी मुद्दा तो इसी को आप लोग बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग कहीं पे भी जाते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप लोग मुद्दा तो यही रहता है 60-40, और जो है विद्यार्थियों के लिए, युवा के लिए, आप लोग और सारी समस्याओं के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए एक्चुअली वो मेन फोकस समस्या है, इसलिए कि उसके इर्द गिर्द में सारे चीज घूम रहे हैं, सारे समस्याएं उसके इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। जैसे युवा की बात करें तो युवाओं पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार बना ली है कि स्थानीय कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार देना है, ठीक है? तो फिर ये मामला जुड़ गया कंपनी का, मामला जुड़ गया स्थानीय का, मामला जुड़ गया रोजगार का। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा मेन मुद्दा तो है ही, लेकिन उससे सारा चीज सिमटा हुआ। अब बताइए खतियान की बात आ जाती है हम लोग के साथ, विद्यार्थियों युवाओं के साथ, कि भाई आखिर नियोजन ले रहे हैं आप तो किस नियोजन नीति से ले रहे हैं? झारखंड बने हुए 23 साल हो गए, सरकार के पास अपना कोई नियोजन नीति नहीं है। झारखंड बने हुए 23 साल हो गए, सरकार के पास कोई विस्थापन नीति नहीं है कि जो कंपनी को जो जमीन दिया जा रहा है उनका, जो विस्थापित हो रहे हैं उनका कैसे आगे कल्याण होगा, उसके लिए कोई ठोस नियम सरकार के पास है ही नहीं। दूसरा सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि सरकार का ये है वो सारा आप उनका मिस्टेक कह सकते हैं बता रहे हैं, लेकिन बात ये भी तो है कि सरकार को आखिर वोट देकर के भी तो युवाओं ने ही जिताया है। ठीक है, किसी को व्यक्ति को हम जब तक सत्ता में नहीं बैठाएंगे, जब तक कुर्सी में नहीं बैठाएंगे और जब तक वो अपना गतिविधि शुरू नहीं करेगा, तब तक हम उनके व्यवहार और उनके सच्चाई और उनका क्या दूरदर्शिता है वो नहीं पहचान पाएंगे। हेमंत सोरेन बहुत अच्छे हैं, युवाओं के बारे में बोलते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वो लेके आए जब वो आपका उनका मैनिफेस्टो देखिएगा चुनाव में, तो कहा था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। अच्छा। ठीक है, हम लोग क्या सारे जनता ने उनको समर्थन दिया कि चलो क्षेत्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, गुरु जी का उत्तरदायी है, विष्णु गुरु जी शिबू सोरेन जी का उत्तराधिकारी है, तो वो तो उनको काम करने के लिए मौका हम लोग दिए, लेकिन अब मौका को वो उस तरह नहीं खड़े उतर रहे हैं, तो हम जैसे विद्यार्थी लोग को अब आगे आना पड़ेगा। और दूसरी बात मैम, एक समय था कि राजनीति से युवा कटे हुए थे, लेकिन हम तो कहते हैं भैया यदि राज का कल्याण चाहते हैं तो एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता युवा को आगे आना पड़ेगा, तभी विद्यार्थियों के दर्द। अच्छा आप ये बताइए कि कंपनी हमारा जमीन ले रही है, ठीक है, तो कंपनी से संबंधित विस्थापन नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है? एक अनपढ़ या फिर जो कम पढ़ा लिखा है वो उनके बारे में डिटेल जानेगा? नहीं जानेगा। अरे भैया जब जान ही नहीं पा रहे हैं तो वहां क्या आवाज उठाइएगा? तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी, हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन यदि पढ़ा लिखा रहे तो उसमें धारदार होगा, वो उनका धार तेज होगा। इसलिए हर लोग जाग गए हैं मैम, हमको जागरूक करने की जरूरत नहीं है। कल हम कह देंगे कि बड़का गांव में जरा मातो आ रहे हैं तो कल सारा कुछ ठीक हो जाएगा, और कहां से फंडिंग होगा विद्यार्थी कर लेंगे, लाखों की भीड़ हो जाएगा। वो युवा खुद जागे हैं, युवा को जगाने वाला और उनको भड़काने वाला जो है ना कोई मिल ही नहीं सकता अब। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल थोड़ा हट करके, जैसे कि आपने 1932 खतियान के बारे में बात किया कि 1932 खतियान को लागू करने के लिए कहा था हेमंत सोरेन ने, लेकिन वो लागू नहीं किए, तो इसमें अभी अगर ये लागू भी हो जाता है तो इसमें दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कई तरह से हो सकता है गरीबों को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जिनके पास जमीन के पेपर्स है, जिनके पास जमीन है वो तो ठीक है, जिनके पास जमीन ही नहीं था, जैसे कि कुछ गरीब लोग जो जमीन ही ओन नहीं किए होंगे उस टाइम, तो उन लोगों को क्या हो जाएगा? मतलब कि 1932 खतियान आने के बाद भी उनको तो लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए मैम, ऐसा नहीं कि उन लोगों को यहां से भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि यहां से लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, ठीक है? लाभ कैसे मिल पाएगा? पहला बात है कि भाई आप जैसे कि बहुत सारे बाहरी लोग हमारे झारखंड में आके बसे हुए हैं, उन लोगों का स्वागत भी है कि हमारे राज्य के विकास में उनका भी योगदान है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब हम लोग यहाँ का मूल वासी हैं और हम लोग खाने के लिए कह सकते हैं कि हम लोग को सोचना पड़ रहा है, रोजगार के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है, आने का पीढ़ी लोग के लिए सोचना पड़ेगा, तो इस पर तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। सरकार उनके लिए भी कुछ करेगी, लेकिन पर्सनल जो हम लोग हैं इनके लिए तो करना ही पड़ेगा जी।
आप बताएं अब जेबी केसेस के बारे में कुछ बताएं कि जैसे कि इसका फ्यूचर, इसका भविष्य क्या हो सकता है अगर ये सत्ता में आ गई तो क्या क्या चीजें कर सकती है, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बाकी सारी चीजों के लिए, छोटे से छोटे समस्याओं के लिए, हजारीबाग से लेकर के पूरे झारखंड तक के लिए। जी यदि जनता लोक का जनादेश हो, पूरा झारखंडियों का एकजुटता दिखाए और हम सभी का जो कह सकते हैं कि जो पार्टी यदि सत्ता में आए तो ये जानिए कि झारखंड में जो अभी 23 साल में नहीं हुआ वो होगा, क्योंकि हम लोग कोई ये स्वार्थी लोग नहीं है कि सत्ता में काबिज होना चाहते, नहीं, हम लोग परिवर्तन और बदलाव की मांग करते हैं। यदि ये काम वही लोग कर दे जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं हमारे महोदय लोग, तो हम लोग को चुनाव में आने वाले नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जेबी केसेस का मुख्य उद्देश्य सुधार है, सत्ता में पार्टी को, मतलब कि सत्ता के पार्टी को बदलना नहीं, सत्ता में काबिज होने के बजाय बदलाव जी, परिवर्तन, परिवर्तन सारे चीजों में आमूलचूल परिवर्तन, सत्ता में सरकार के सिस्टम में परिवर्तन, हमारी पहचान में परिवर्तन, हमारी संस्कृति को जो यहाँ पे कह सकते हैं कि गिराया जा रहा है उसमें परिवर्तन, आमूलचूल सारे क्षेत्रों में परिवर्तन होने की बात हम लोग करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी इनसे जाना जेबी केसेस का क्या उद्देश्य है, जयराम महतो का क्या उद्देश्य है, और बाकी इन ये एक सपोर्टर खुद हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं, ये सबका क्या उद्देश्य है? साफ तौर पे, सीधे तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इनका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि इस राज्य के लिए सुधार हो, बदलाव हो, परिवर्तन हो, ना कि इस राज्य में जो सत्ता पे बैठे हैं उनका बदलाव, उनका परिवर्तन हो। पर सरकार अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर इनको खुद सत्ता में आना पड़ेगा झारखंड के लिए कुछ करने के लिए, सीधे तौर पे मैं ये कह सकती हूँ, है ना। तो जैसा कि अभी आपने जाना कि जेबी केसेस और जेएमएम कह सकते हैं या फिर कोई कई अन्य पार्टियों में क्या क्या अंतर है, ये क्या करना चाहते हैं, बाकी पार्टियां क्या कर रही है, ये तो आप देख रहे होंगे। अभी हमारे राज्य में गठबंधन की सरकार है, इससे सब भली भांति परिचित होंगे। और अभी हेमंत सरकार झारखंड के लोगों के लिए क्या क्या कर रही है, तो झारखंड के लोग से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानते होंगे। खैर आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए देखते रहे एन4 न्यूज भारत।